TBN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सभना दा निघा स्वागत। मलेशिया नूं हरा के भारत ने जितया चौथा एशियन चैंपियन ट्रॉफी खिताब। आप विधायक ते गिरफ्तारी की लटकी तलवार। एक आप विधायक नूं जानो मारन की धमकी पुलिस हरकत विच आई। यूपी दे साबका MLA दा कातल लुधियाणा विच्चों गिरफ्तार। दो सके भरावां दे कतल कांड विच वड्डा ते सनसनी खेज खुलासा। जित दे दावे करन वाली कांग्रेस विच पई फुट अते कुछ होर जानकारियां अपने अज दे प्रोग्राम दौरान शामिल रहणगियां। इहदे तों पहलां इहनां दे उत्ते विस्थारत गल्लबात कीती जावे। तुहानू सभनां नूं बेनती है कि पहलां प्रोग्राम देख लेना, सुन लेना, ते जेकर चंगा लग्या फिर लाइक अते शेयर जरूर कर देना। दूसरी बेनती ए कि जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लेनी। तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। ते हुण सब तो पहला गल करदे आं हॉकी की। चेन्नई दे विच खेडिया गया फाइनल मैच। इस मैच के भारत ते मलेशिया दीआं टीमां भिड़ियां ते इंडिया ने मलेशिया नूं हरा के एशियन चैंपियनज ट्रॉफी हॉकी टूरनामेंट दी ट्रॉफी सी वह अपने नामे कर ली है। भारत ने मलेशिया नूं 4-3 दे नाल हराया। भारत ने रिकॉर्ड चौथी बार ये ट्रॉफी जीती है। इहदे नाल इह वी इत्थे गल उचेचे तौर पर दसण वाली है कि भारत सब तो वध वार एशियन चैंपियनज ट्रॉफी जितण वाला हुण मुल्क बन गया। भारत वास्ते जुगराज सिंह ने 9वें मिनट में, हरमनप्रीत सिंह ने 45वें मिनट में, गुरजंट सिंह ने भी 45वें मिनट में, आकाशदीप सिंह ने 56वें मिनट में गोल दागे। जदों के दूसरे पासे मलेशिया की टीम के वास्ते अजराई अबू कमाल ने 14वें मिनट में, रहीम राजी ने 18वें मिनट में, मुहम्मद अमीनुद्दीन ने 28वें मिनट में गोल दागे। उन्होंने 3 अते इंडिया की टीम ने 4 गोल दाग के ये ट्रॉफी अपने नामे की। तो हुण गल करदे आं आम आदमी पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी का डर हो गया। तलवार उहदे ते लटक रही है, उम्मीद है कि गिरफ्तारी हो सकती है। ये विधायक ने जलंधर के पछमी विधानसभा हल्के तो शीतल अंगराल। इन्हां दे खिलाफ दरअसल CJM भाव चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अमित कुमार गर्ग की अदालत ने ये जड़े वरंट ने जारी किए ते वरंट गैर जमानती ने। अदालत ने यह आदेश हरविंदर कौर मिंटी मामले दे विच दिते ने। हाल ही दे विच दसना बनता कि अदालत की पेशी सी तरीक सी अते ये विधायक विदेश उड़ारी मार आए। इहदे तों बाद अदालत ने उसनू विदेश जाण लई दस्तावेज़ां दे नाल बुलाया पर शीतल अंगराल विदेश होण कारण पेश नहीं हो सके। जिस तो बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अमित कुमार गर्ग की अदालत दे विच शीतल अंगराल के खिलाफ ये वारंट जारी कर दते गए है। सारे जमानती बॉन्ड भी दस्या जा रहा है कि रद्द कर दते गए है। 24 अगस्त को अदालत दे विच पेश होने के हुक्म भी दे दते ने। तो सिर्फ इन्ना नहीं, अदालत ने सख्त टिप्पणी की है अते कहा है कि शीतल अंगराल का अदालत दे विच इंज पेश ना होना न्याय प्रणाली में दरअसल चुनौती देने दे बराबर है। वो अदालत दे विच पेशी तो छोट रही ये दिती जा सकती है, ये रियायत दिती जा सकती है, पर उस दिती रियायत की वह दुरवरतों कर रहा है। जेकर कहिंदे अजिहा हुंदा रहा तां समाज दे विच भाव आम लोगों के जिहड़ा संदेश है बड़ा गलत जाएगा। दसना बनता है कि 6 जून में मिंटी कौर मामले दे विच विधायक शीतल अंगराल ते दोष ऐद कर दते गए सी। उदों तो वह अदालत दे विच पेश नहीं होया। इत्थे ये भी दसना बनता कि लगभग 6 साल पहला भाव 18 मई 2017 हरविंदर कौर मिंटी ने भाजपा आगू विजय सांपला के भतीजे आशु सांपला, शीतल अंगराल और कुछ होरना के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई सी। पुलिस को दिती गई शिकायत दे विच मिंटी ने यह दोष लाए सी कि आशु संपला दे नाल झगड़े तो बाद शीतल अंगराल ने फेसबुक के उत्ते उहदे खिलाफ कुछ टिप्पणियां कीतियां ते वह टिप्पणियां भद्दियां सी। पुलिस ने शिकायत तो बाद शीतल अंगराल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया सी। इस ही मामले दे विच फिर
शीतल अंगराल दे अदालत विच पेश ना होण कारण हुण गैर जमानती वारंट जारी कर दिते गए है, भाव उन्हां दे उत्ते गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। तो हुण गल करदे आ एक होर आम आदमी पार्टी के विधायक, उन्होंने दरअसल एक पोस्ट भी पाई तो उस तों बाद फेसबुक के उत्ते ते नाल नाल एक उन्होंने प्रैस कॉन्फ्रेंस भी की। तो यह विधायक ने हलका समराला तो जगतार सिंह दयालपुरा जानकारी मिली है कि वह कहिंदे आ कि मेरी जान नूं खतरा है, उन्होंने धमकियां मिल रही ने। इत्थों तक दस्या गया कि यूपी बिहार तो गुरगे किराए ते लैण भाव बंदे हायर करके 1 करोड़ रुपए की सुपारी दे के एक ट्रक उन्होंने उत्ते चढ़वाया जा सकता, यह साजिश रची जा रही है। ये बाबत विधायक ने पहला तो एक पोस्ट पाई, फिर उन्होंने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस भी की। विधायक ने दरअसल सबका विधायक अमरीक सिंह ढिल्लों के पोतरे और भाजपा के जिला प्रधान करणवीर सिंह ढिल्लों उत्ते भी दोष लाए ने, जिस के कारण सियासत में गर्माहट का आना सुभाविक सी हलचल पैदा हो गई है। आप विधायक ने कहा कि उन्होंने अपने नज़दीकियों तो कुछ दोस्तों तो पता लगे कि उन्होंने विरोधी उन्होंने खिलाफ उन्होंने जानों मारन दिया कुछ साजिशा घड़ रहे हैं। उटाला के भी वो दो नौजवान दसे जा रहे हैं, कहते सी तो उन्होंने दुकान का कोई झगड़ा ढाटू दिती होनी है, वो मेरा कोई लैण देण नहीं सी, पर कहते एक योजना घड़ रहे हैं, एक साजिश घड़ रहे हैं, यह व्यौतबंदी की जा रही है। विधायक के एक साथी ने कहते उन्होंने दसिया कि इस तरह की वह गल करते हैं कि 1 करोड़ रुपए के उत्ते ट्रक चढ़वा देंगे। ये भी दसिया कहते गल्लां करते कि विधायक वास्ते 1 करोड़ वक्रे कढ़ के रख लए ने, हुण अमीरे होणगे भाई जिन्होंने 1 करोड़ एक विधायक वास्ते कढ़ के रख ले। तो विधायक दयालपुरा दे वल्लों पोस्ट पाउण तों बाद पुलिस दे विच हफड़ा दफड़ी का मचना सुभाविक सी। जानकारी मिली कि फिर DSP जसपिंदर सिंह ते SHO भिंदर सिंह विधायक नूं मिलण वास्ते उन्होंने घर पहुँचते हैं। MLA दे बयान उन्होंने दर्ज किए हैं, आख्या कि तुहाडी सुरक्षा दे विच होर वाधा कर दिंदे आ, पर MLA साहब ने होर सुरक्षा लैण तो इनकार कर दिता है। दूसरे पासे भाजपा के जिला प्रधान करणवीर ढिल्लों ने भी आख्या जदों उन्हां दे नाल गलबात की गई, वह कहिंदे विधायक दयालपुरा दरअसल एक नवां राह लभ रहा है, सरकार तो कहिंदे लोक तंग ने ते इन्हां नूं सुरखियां चाहीदियां ते इस तरीके नाल सुरखियां च रहना चाहुंदे आ। वह कहिंदे विधायक ने एक कहानी घड़ी है, इस तरह की ना कोई गल सी ते ना है, ना ही वह कहिंदे मेरा इस तरह का कोई सुभा है। पर इस खबर ते एक टिप्पणी तो करनी बनती है कि जेकर चुने हुए विधायक नूं कुछ लोग इस तरह दीआं धमकियां दे सकदे ने, सियासत विच उथल पुथल हुंदी रहिंदी है, कदे कोई धिर जित जांदी है, कदे कोई हार जांदी है, पर आम लोगों का फिर जीण दा पद्धर किहो जिहा होएगा ते सियासत दा पद्धर साडी दा किहो जिहा, इह खबर आप इशारा कर रही है। तो हुण अगली खबर है, वह भी एक MLA नाल संबंधित पर वह साबका तो उहदा कतल हो गया सी, यूपी दे नाल संबंधित खबर है पर गूंज लुधियाने च पई है। आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा के साबका विधायक सर्वेश सिंह सीपू का कतल करने वाला गैंगस्टर लुधियाना दे विच रह रहा सी ते उत्थे हुण इहनूं गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी तो आई सी टीम ते नाल पंजाब पुलिस की टीम सी AGTFC ते इन्हां दे सांझे ऑपरेशन के दौरान इन्हूं दबोच लिया गया। दस्या जा रहा है कि बीते 10 वरियां तो यह फरार सी। फड़े गए मुलजम का नाम है अरविंद कश्यप, असल दे विच उह चकिया कसरावल थाना मेहरनगर जिला आजमगढ़ यूपी का रहने वाला है। दस्या जा रहा कि उहदे उत्ते यूपी पुलिस के वल्लों 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ सी। मुलजम नूं फड़न तो बाद पहलां उहनूं थाने लिजाया गया, उत्थों फिर सिविल हस्पताल दे विच उहदा मैडिकल करवाया गया, अदालत दे विच पेश कीता गया अते फिर जानकारी मिली है कि पुलिस उहनूं यूपी अपने नाल लै गई है। असल दे विच जदों इहदी डिटेल्ड जानकारी खोजण की कोशिश की गई तां पता लग्या कि यूपी दे खतरनाक माफिया ध्रुप सिंह कुंटू दे इशारे ते इस मुलजम ने, जिसका नाम अरविंद कश्यप है अते उहदे कुछ साथियों ने 19 जुलाई 2013 नूं विधायक सर्वेश सिंह सीपू का दिन दिहाड़े शरे बाज़ार गोलियां मार के कतल कर दिता सी। ते पता लगा कि उत्थों ये जिहड़े बंदे भज गए सी ते भज्जिया होया ये बंदा लोड़ींदा सी। इस संबंधी ध्रुव सिंह कुंटू समेत 7 व्यक्तियों के उत्ते कतल,
आर्म एक्ट ते होर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होंदा। फिर यूपी की अदालत ने 16 मार्च 2022 नूं ध्रुव सिंह समेत 7 मुलजमान उम्र कैद की सज़ा सुनाई, पर इस मामले दे विच अरविंद कश्यप काफ़ी वरियां तों लगातार फरार सी ते पुलिस दे हत्थ नहीं सी आ रहा। यूपी की एस टी एफ टीम उहदी भाल दे विच लगातार लगी हुई सी, दसां सालां तों उहदी पैड़ नप रही सी। फिर एस टी एफ नूं कुछ भरोसेयोग सूत्रां तों जानकारी मिलती है, इनपुट मिलती है कि अरविंद कश्यप पंजाब के महानगर लुधियाने च रह रहा है। उहदे तों बाद उहनां दी टीम लुधियाने आउंदी है, जिथों पता लगता कि मुलजम अपना नाम बदल के इत्थे एक किराए के मकान में रह रहा है अते इत्थे रह के पहला फैक्ट्री भी काम करता रहा, चादर वेचण का भी काम कर रहा है। जिस तों बाद शुक्रवार का सवेरा सी पंजाब की ए जी टी एफ भाव एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और यूपी तो आई टीम ने एक घर से छापा मारिया, छापा मार के अरविंद कश्यप को गिरफ़्तार कर लिया। इत्थे ये नाम बदल के किराए के मकान में रह रहा सी, ये जानकारी मिली सी। यूपी पुलिस के अधिकारी ने दसिया कि अरविंद कश्यप ने 6 से 7 कतल किए, उहदे उत्ते 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा होया सी, पर हुण उसनू यूपी वापस लै गई है पुलिस। तो अगला जिहड़ा कतलकांड होया, 2 सके भरा मार दिते सी बीते दिनी नालागढ़ दे विच, सी पंजाब दे नाल संबंधित बड़ी दर्दनाक खबर है। तो जिहड़ा इहदे च खुलासा होया होर भी दर्दनाक है। ब्लॉक नकोदर के अधीन पिंड पैंदा खीवा, खीवा दे जंपल 2 सके भरा कुनाल वावा जिसकी उम्र सिर्फ 21 वरे, उहदा वड्डा भरा वरण वावा जिसकी उम्र लगभग 25 वरे, उहदा बीते दिनी नालागढ़ दे विच कतल कर दिता गया सी। ते हुण इस कतलकांड दे विच इक अहम ते वड्डा खुलासा होया है कि दोवां दा कतल किसी गैर व्यक्ति ने नहीं किया, सगों उहनां दे इक जिगरी यार गौरव गिल उन्हें अपने साथियों के नाल मिल के इस कतलकांड नूं अंजाम दिता है। हुण मौत की खबर, 2 सके भरा पुत्र मार दिते होण किसी दे, तां तुहानूं पता कि घर दे विच की हाल होएगा। जदों परिवार च खबर पहुँचती है, बाप भी दादा भी नालागढ़ भाव हिमाचल वास्ते रवाना हो जाते हैं। दोवें भरावां दे मृतक शरीर वो पंजाब लियाउंदे है, पर फिर वो सोचते हैं कि इन्हां दा कतल कर किसने दिता होना है। नकोदर दे सिविल हस्पताल दे विच लिया के वो लाशां रख देंदे ने, ते मृतक दा मामा जिसका नाम लवकेश बावा उर्फ लाडी, उन्हां दे नाल जदों गल्लबात की गई वो कहिंदे दोवें भाणजे उन्हां दे कोल नालागढ़ रह रहे सी। वड्डे भाणजे दा 1 साल पहला वो कहिंदे विआह कर दिता सी। उन्हां ये भी दस्या कि वो उन्ना चिर डट गए सी कि संस्कार नहीं करांगे जिन्ना चिर असल दोषी फड़े नहीं जाते। मृतक की माँ तो गलबात करती कितने उन्होंने सोधी है नहीं सी। आप अंदाजा लाओ कि जिसते 2 गभरू जवार पुत्र कतल कर दते गए, हुण उहदा हाल की होएगा। दादे नाल गलबात की गई, उन्हां दस्या कि दोवां भरावां की गौरव दे नाल बेहद गहरी दोस्ती सी। 1 महीने के करीब ये पहला दोवें भरा अपने दोस्त गौरव दे नाल मनाली घूमण भी गए सी। दादे दे दसण अनुसार इन्हां दा उत्थे किहड़ी गल नूं लैके झगड़ा हो गया, किहड़ी गल तों दुश्मनी पै गई, इहदे बारे कहिंदे मैं नहीं जाणदा। पर हुण इहदी थोड़ी अपडेट होर मिल गई है, उहदे अनुसार इस कतलकांड दे विच 1 दोषी गिरफ़्तार कर लिया गया। 2 हाले फरार दसे जा रहे हैं, किसी वक्त भी उन्हां दी गिरफ़्तारी हो सकती है। पुलिस कहिंदी है कि छेती गिरफ़्तार कर लवांगे। गिरफ़्तार किए गए दोषी की पहचान इंद्रजीत उर्फ छिंदा, यह भी खीवा दा ही रहण वाला है, भाव इन्हां दे पिंड दा ही रहण वाला है। इंद्रजीत नूं लोहियां तो पुलिस ने गिरफ़्तार किया, जदों के गौरव गिल अते दूसरे दोषी की हाले भाल की जा रही है। यह जानकारी मिली है कि गौरव गिल दे साथी वरण अते कुनाल दा पैसों नूं लैके विवाद चल रहा सी। यह विवाद कोई लखां रुपईआं दा नहीं सी, सगों हज़ारां विच ही सी। इसे विवाद के कारण वह नौकरी वास्ते अपनी मासी कोल नालागढ़ चले गए। गौरव जिहड़ा वह भी खीवे का ही रहने वाला है, उहनू इस गल का पता लग गया। यह भी जानकारी मिली है कि जिस दिन उन्हें इन्हां दोवें भरावां दा कतल किया, पहला दोवें भरावां नूं कहिंदा है, फोन करता है कि जलंधर वापस आ जाओ, पर कहिंदे अग्गों वह दोवें भरा आखदे आ कि ना असी नहीं जलंधर आउंदे, असी नहीं वापस आउंदे, असी नहीं पिंड परतदे। तां अग्गों कहिंदे गौरव गिल उन्हां नूं कहिंदा है कि जे तुसी ना आए तो मैं नालागढ़ आ जाऊँगा, पर फिर चंगा नहीं होऊ, इहदा नतीजा बड़ा माड़ा होएगा।
मिली जानकारी अनुसार इहदे तों बाद गौरव गिल अपने दो होर साथियों के नालागढ़ पहुँचता है, दोवें भरावां दी रेकी करता है अते शाम नूं फिर तेज़ धार हथियारां दे नाल शरेआम सड़क के उत्ते दोवां दा कतल कर दिंदा है। पर हुण अंदाज़ा ला के वेखो कि वह मित्र कहदा, यह तां यार मार है, रौला झगड़ा हज़ारां दा, पर जान तां कीमती है नहीं उहदी कोई। पर आह जिहड़ी अगली खबर है एक घोटाले नाल जुड़ी हुई है, अंदाज़ा ला के वेख्यो कि किन्ने दा घपला ते किड्डा वड्डा घोटाला है। असल दे विच केंद्रीय GST विभाग की टीम उन्हां कारोबारियों ते नज़र रख रही है जो रेवन्यू दे नां ते सरकार नाल धोखा कर रहे हैं। विभाग दे वल्लों फड़े गए मुलज़म तेजी अते उहदे साथी दे संबंधी करोड़ां दी बोगस बिलिंग करन वालियां दे नाल संबंध दस्से जा रहे हैं। हालांकि विभाग हाले इहदे बहुते वेरवे नहीं सांझे कर रहा, पर जिहड़ी जानकारी मिल रही है उहदे अनुसार कि बीते दिनी नोएडा दे विच 14,000 करोड़ रुपया, अंदाज़ा ला के वेखो, भारत गरीब नहीं, गरीब ये कुछ अफसरां ने ते कुछ लीडरां ने किया हो, आम लोग खमियाजा भुगत रहे हैं कि नोएडा दे विचों 14,000 करोड़ रुपए की बोगस बिलिंग के मामले दे विच ये नोएडा तो लैके ये जिहड़ा तंत्र सी पंजाब तक आ पहुँचे ते पंजाब के कई नामी चेहरे ये शामिल दसे जा रहे हैं, कई पार्टियां के आगू दसे जा रहे हैं, सियासी पार्टी नाल संबंधित लोग दसे जा रहे हैं। कुछ समा पहला विभाग को दरअसल एक सूचना मिली सी कि नोएडा दे विच कुछ लोग बैठे है वो फर्जी फर्मा भाव कंपनियां तैयार कर रहे हैं ते वो इन्हां फर्मा दे राही हज़ारां करोड़ां रुपए की जाली बिलिंग कर रहे हैं ते उहदे रिफंड लै रहे हैं। जदों ये सब विभाग के ध्यान में आया तो उन्होंने जांच शुरू कर दी, जिस दे विच मुलज़मां की सूची फिर एक एक करके लंबी होंदी गई ते आखिरकार इहदे तार लुधियाणे आ जुड़े ते फिर इन्हां दे नाम सामने आउण तों बाद उन्हां दे खिलाफ़ भी कार्रवाई की गई। दस्या जा रहा कि इन्हां दे राही भी कई फर्मां बनाईआं गईआं जिन्हां दी गिणती एक नहीं दो नहीं सगों दो दर्जन दे करीब दसी जा रही है। इन्हां विच कुछ फर्मां मुलज़मां ने अपने सफाई कर्मचारियों के नाँ ते उन्हां दे राही बनवाईआं, अंदाज़ा ला के वेख लो। जे हुण इह जानकारी दे उत्ते नज़र मारदे तां पता लगता कि इन्हां फर्मां तों इन्हां ने 200 तों 250 करोड़ रुपए की बिलिंग की, उन्होंने इन्हां फर्मां दे राही व्यापारियों के नाल होर लैण देण किया पर टैक्स चोरी करते रहे। हुण जदों इन्हां दा वही खाता खोलिया तो फिर हुण इन्हां दे झग्गियां दे रापत लै जाणगे, क्योंकि इन्हां दे संबंध मुख मुलज़मां दे नाल दसे जा रहे हैं। पहले दिन तो ही इस मामले दे विच भाजपा के एक वड्डे आगू अते कुछ होर नेतावां दे नाम सामने आ रहे हैं, शायद इस करके इहदे ते कार्रवाई हाले तक पई नहीं। पर हुण पता लग्या कि जांच विच इह गल सामने आ गई है कि जिहड़ा इह आगू है भारतीय जनता पार्टी नाल संबंधित है, ये उन्हां नूं बचाउण लई पैसे लैंदा सी ते उन्हें खुद कई फर्मां भी इन्हां तों तैयार करवाईआं होईआं सी ते जिथों बोगस बिल करके करोड़ां रुपए दा खजाने नूं चूना लाया जा रहा सी। ते हुण गल करदे हां कांग्रेस की, कांग्रेस जित दे दावे केंद्र च भी कर रही है ते पंजाब च भी कर रही है, पर काटो कलेश कदम उकूए इन्हां दा। हुण आ एक होर दुफाड़ होने की खबर मिल गई है। असल दे विच पंजाब दे साबका मंत्री ब्रह्म महिंद्रा का पुत्र है मोहित महिंद्रा, उन्हों यूथ कांग्रेस का प्रधान बनाए जाने तो बाद पंजाब यूथ कांग्रेस के बहुत सारे वर्कर ने वो रुस गए ने ते कांग्रेस के अक्षय शर्मा की अगवाई दे विच लगभग 600 नौजवान दसे जा रहे ने जिहड़े कहिंदे असीं जित्ते आ, वो दिल्ली हाईकमांड के दफ्तर के बाहर धरना ला के बह गए। पंजाब तो दिल्ली गए ये जिहड़े वर्कर ने इन्हां दे वल्लों हाईकमांड के दफ्तर के बाहर धरना देना अपने आप दे विच कांग्रेस वास्ते कोई चंगा शगन नहीं है। ये आख रहे ने कि यूथ कांग्रेस की चोण के धक्का किया गया जबकि इन्हां चोणां दे विच कहिंदे वड्डी गिणती विच जित असीं हासिल की है ते जित हासिल करन वाले प्रधान ते हलका इंचार्जां दा ये भी कहना है कि अक्षय शर्मा नूं भी कार्यकारी प्रधान नियुक्त किया जाना चाहिए। मोहित महिंद्रा दस्या जा रहा कि चुने जाने तो बाद अपने अहुदेदारां दे समेत जदों ये विवाद भी पैदा हो गया उहदे मद्देनज़र भी उन्हें अपनियां कार्रवाइयां जारी रखियां होईयां ने। वो पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग नूं मिलण वास्ते पहुंचे है ते उत्थे फुल्लां दा गुलदस्ता भेंट किया,
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝਗੜਾ ਸੁਲਝਾਈਏ, ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਨਾ ਸੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੁੜੂ ਕੌਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ 10 ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਦੇ ਭਰਾ ਉਦੇਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਦੇ ਭਰਾ ਸਮੇਤ 7 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਦੇਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ। ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਇਹ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਤੀਜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਸ਼ੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 92 ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੁੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਸ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤੋਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।